नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी में शिक्षकों से नहीं कराए जाएंगे गैस एक्शनिंग कार्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी डीएम को जारी किए निर्देश। कोरोना संकट का कहर जारी, 24 घंटे में आए 38,000 नए मरीज, 624 संक्रमितों की मौत। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी। वाराणसी में पीएम मोदी का 15 जुलाई को दौरा, रुद्राक्ष कन्वेक्शन सेंटर का पीएम करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी लगाएंगे रुद्राक्ष में पौधा। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस की बैठक, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में अहम बैठक। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शहर को 94 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान कुल 370 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 93.89 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। नगर निगम परिसर में स्थापित म्यूजिकल फाउंटेन, फूड पार्क के साथ ये सभी कार्य 14वें-15वें वित्त आयोग, अवस्थापना विकास निधि, अमृत योजना, सीवरेज एवं जल निकासी योजना और स्वच्छ भारत मिशन से हुए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से संचालित म्यूजिकल फाउंटेन और फूड पार्क गोलघर में नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, सीएम योगी गोरखपुर में जब जब आते हैं तब तक गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल वासियों को बड़ी सौगात देते हैं। आज उनके दौरे के दूसरे दिन सुबह सबसे पहले उन्होंने जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा, जहां पे दूर दराज से फरियादी आए थे और अधिकारियों को निर्देश तत्काल इनकी जो भी समस्या है उसका निस्तारण किया जाए। आज 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 39,53,00,000 रुपए के लागत से होने वाले 48 कार्यों का शिलान्यास और 40.71 करोड़ रुपए के 75 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आज गोरखपुर दौरे पर है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का भी दौरा होने वाला है वाराणसी में, उसको लेकर भी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। तो गोरखपुर में क्या बैठक भी हो सकती है? जी, इसके बाद एक बैठक का उनका प्रोग्राम है, लेकिन अभी कोई अधिकारी पुष्टि इसकी नहीं हो गई और बनारस के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर है, 94 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। बता दें, म्यूजिकल फाउंटेन, फूड पार्क के साथ ये सभी कार्य 14वें-15वें वित्त आयोग, अवस्थापना विकास निधि, अमृत योजना, सीवरेज एवं जल निकासी योजना और स्वच्छ भारत मिशन में से हुए हैं। जलाउन कोच बजरंग दल के नगर संयोजक कई कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर कैलिया पुलिस के खिलाफ घंटों जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिदेशक लखनऊ के नाम एक ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकुर कौशिक को सौंपा है। वहीं ज्ञापन सौंप कर बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान नाम पर वसूली कर रही है। बता दें कि कुछ दिनों पहले दो भाई अपनी बहनों को छोड़कर वापस आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस पीपरी चौराहे पर जगनपुरा चौकी इंचार्ज अभिषेक सिंह ने उक्त दोनों से पूछताछ की, जिस पर उन्होंने अपनी बात बताई तो चौकी इंचार्ज ने दोनों से 500 रुपए की मांग की। वहीं रुपए ना देने पर गाली गलौज और मारपीट तक की गई। बजरंग दल की मांग है कि जगनपुरा चौकी इंचार्ज के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। तो पुलिस की इस तरह की कार्रवाई को लेकर बजरंग दल नाराज है, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पैसे वसूली की जाती है। ज्ञापन भी सौंपा गया है डीएम को और साथ ही साथ कहा गया है कि अगर इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं की गई तो
प्रदर्शन करने को अग्रसर होंगे बजरंग दल के लोग। ये परसों रात्रि समदर से दो कार्यकर्ता अपनी भाभी को छोड़ के आ रहे थे। 12 बजे पीपरी तहराया पर अभिषेक सिंह जगनपुरा चौकी इंचार्ज चेकिंग लगाए थे, जो भी लगाए वो कार्यकर्ताओं को रोका, साथ में मारपीट की। उन्होंने अपना परिचय बताया कि हम बजरंग दल के कार्यकर्ता है, तो उनका मोबाइल तोड़ दिया, उठा के गाड़ी सीज कर दी। दोनों कार्यकर्ता रात्रि 12 बजे अकेले एकांत हालत में पहुंच आए पैदल। उनके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती थी, इसका जिम्मेदार कौन होता, इस संबंध में लेके हम लोग पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन संबोधित करेंगे। औरैया की कोतवाली पुलिस वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। इनके पास से वैगनार कार भी बरामद हुई है। सीओ सिटी सुरेंद्र सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि दोनों शातिर बदमाशों को मुखबिर की सटीक सूचना पर औरैया कोतवाली के इंडियन आग्रह से गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इन लोग की गिरफ्तारी हो पाई है। वांछित अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। काफी समय से इनकी धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा था। आज दिनांक 13/7/21 को सुबह करीब 1:45 पर सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस के द्वारा दो इनामिया बदमाश, जिनके विरुद्ध 10,000 का इनाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घोषित किया गया था, जो कि हमारे गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित थे, उनको गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। और इनका प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र के बैरीसाल में एक आदमी को गरीबी ने इतना लाचार कर दिया कि मजबूरन उसे ब्याज का रकम लेनी पड़ी, जहां वापस ना करने पर लगातार दबंगों के द्वारा धमकी दी जा रही थी। उसके बाद षड्यंत्र रचकर समय से वापस ना करने पर धोखाधड़ी कर 13 बिस्वाह जमीन हड़प ली गई। बता दें कि इस बात की जानकारी जब पीड़ित को हुई तो उसके विरोध करने पर जान से मारने की दबंग द्वारा धमकी भी दी गई, जिसके डर से वो न्याय के लिए आए दिन अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। तो गरीबों ने इंसाफ के लिए लगातार गुहार लगाई जा रही। बता दें कि रकम मिली थी, पैसा उधारी पर लिया गया था, जिसकी ब्याज की रकम ना लेने पर दबंगों द्वारा धमकी दी जा रही थी। उसके बाद दबंगों ने किसी तरह से षड्यंत्र रचकर जमीन धोखाधड़ी से 13 बिस्वाह जमीन जो है वो हड़प ली पीड़ित की, जिसके बाद पीड़ित लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी अभी तक फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हो रही। शिकायती पत्र भी दबंगों के खिलाफ दिया गया है। दो ढाई साल हो गया, नहीं दे पाया तो हमको मारने पीटने की धमकी दिया, और हमारा किसान भाई ले जाके 4 दिन अपने घर पे रख लिए। बोले कि ऐसा करो, तुम हमको पैसा नहीं दे पाओगे तो चलो हमको जमीन लिखो। बोला नहीं भाई, हमको थोड़ा समय दो, जमीन नहीं दूंगा, पैसा आपका दे दूंगा। बोले मारूंगा पीटूंगा, धमकी दिए हमको, गाँव से घर निकाल के बाहर। मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम लायकपुर में पिता ने अपने ही बेटे पर फावड़े से वार कर दिया। बता दें कि बेटा शराब पीकर घर आया था, जिसके बाद उसने पूरे परिवार वालों के साथ मारपीट की। वहीं इस विवाद में पिता ने फावड़े से बेटे पर वार कर दिया और जान से मारने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद गांव वालों ने राहुल को किसी तरह बचाया। बाप ने ये फावड़ा मारा है, फावड़ा मार के मैं गए डॉक्टर के पास, गए बोले पैसे दो 500 रुपये, तो रिपोर्ट लिखेंगे ना रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। रात को मेरे यानी हमारे हस्बैंड घर पे नहीं थे। हाँ, तो रात को मेरे 10 बजे के टाइम पे 12:30 होते आए, हमसे बदतमीजी की है। बदतमीजी कह गया, जो मैं रोए चिल्लाने अपने प्रांतम आई डेट का खसदी आ गए। रायबरेली के अन्य ब्लॉकों में भ्रष्टाचार की शिकायत आए दिन जिला मुख्यालय पर आती रहती है, लेकिन अगर स्लोन ब्लॉक की बात करें तो वहां के भ्रष्टाचार की बात ही कुछ और है। स्लोन ब्लॉक में तैनात महिला ग्राम विकास अधिकारी सीता गौतम के ऊपर कई आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए कहा है कि ग्राम सभा में ग्रामीणों के आवास के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी किसी से 20,000 तो किसी से 25,000 वसूली करते हैं। वहीं इसको लेकर कई संख्या में ग्रामीण शिकायती पत्र देते हुए सलोन ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी सीमा गौतम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मांग
मामला ये है कि हमारी जो ग्राम विकास अधिकारी सीमा गौतम हैं वो लोगों से 20-20, 30-30 हज़ार रुपये इकट्ठा कर रही हैं और गलत जगह पे जंगलों में, कभी वहाँ पुल पे, कभी रेवली में, कभी बरुआ पुल, कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे अपने हस्बैंड के द्वारा बुला के लोगों को वहाँ से पैसा वसूलती हैं। और अब तक कम से कम वो 2.5 से 3 लाख तक वसूल चुकी हैं लोगों के हिसाब से, मुझे पता चला है, बताया जैसा लोगों ने बताया हमारे ग्राम सभा के लोगों ने। रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र में गोली चलने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में पहुंचाया। घायल जसवंत के परिजनों की तहरीर के आधार पर 5 लोगों के नाम दे दिए गए। फिलहाल जसवंत का मेडिकल कर एक्सरे कराया गया है। वहीं प्रारंभिक जांच में गोली लगने की बात संदिग्ध प्रतीत हो रही है, फिर भी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जांच के बाद ही कार्रवाई करने की बात कर रही है। गुजरी थी सर, ये मुरादाबाद से अपनी परम्पे से आ रहा था सर, तो आते हुए हो गया इसे 8 बज गए थे सर। 8 बजने के बाद ये मतलब फंसी अपरा पे नीचे पेट्रोल पंप पे आके पकड़ लिया। तीरथ सिंह है, उसने हाथ दिया था, इसमें मैं जी खुद बताया था अभी। तीरथ सिंह ने हाथ दे के इन्हें पकड़ के फिर एक नर्सरी है पॉपुलर वाली, उसमें ले गए जी अंदर को। अंदर लेने के बाद राम सिंह ने इसके पीछे से मतलब बड़ी एक राइफल होती है गुप्ती, वो लगा दी थी। ठीक है, वो लगाने के बाद प्रमोद ने पकड़ लिया था। पहले ही उसने मारा था राइफल, तो वो हो गई थी मिस, बता रहे थे ये तो। मिस होने के बाद फिर उसने प्रमोद ने इसके गोली मार दी। ये थाना पटवाई क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जसवंत, जिसको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर इंक्वायरी की जा रही है। उसके परिजनों के द्वारा 4 लोगों के विरुद्ध एक तहरीर दी गई है, जिसकी जांच कर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके जो प्रारंभिक अंश है उससे ये जो फायर आर्म इंजरी है वो सस्पिशियस नज़र आ रही है। उसको डॉक्टर के द्वारा एक्सरे की सलाह दी गई है। एक्सरे के बाद जो एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होगी उस पर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता तुषार जुड़ चुके हैं। तुषार, हालांकि इस मारपीट में जो गोली लगने वाली बात है वो संदिग्ध पाई जा रही है, ऐसा क्यों? जी मैं बताना चाहूंगा, रामपुर के पटवाई क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ठीक है, जसवंत जी का, तो घायल जसवंत के जो परिजन की तरफ से एक तहरीर दी गई है जिसमें 5 लोगों के खिलाफ नाम दिए गए हैं। फिलहाल जसवंत का मेडिकल कर एक्सरे कराया जा रहा है। फिलहाल प्रारंभिक जांच में गोली लगने की बात संदिग्ध प्राप्त हो रही है, फिर भी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात करी जा रही है। इसमें पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। जी जसवंत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोली लगने की बात हालांकि अभी फिलहाल कहीं ना कहीं संदिग्ध बनी हुई है। वहीं जिस तरह से पुलिस ने बोला है कि 5 लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ तहरीर मिली है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बढ़ते हैं आगे, और देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई है, लेकिन कोरोना के अलग अलग वेरियंट चिंता बढ़ा रहे हैं। डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब कोरोना का कप्पा वेरिएंट सामने आया है। राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के अब तक 11 मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे प्रदेश में हड़कंप मच गया। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राजस्थान में अब तक कप्पा वेरिएंट के 11 मरीज मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि 11 मरीजों में से 4-4 मरीज जयपुर और अलवर के हैं, 2 मरीज बाड़मेर से हैं और 1 भिलवाड़ा से है। राजस्थान में 13 जुलाई तक कोरोना के 9.53 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में यहां 28 मरीज मिले हैं। अब तक 9.43 लाख से ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 8,945 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को यहां 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। मुठभेड़ वाली जगह पर काफी संख्या में सुरक्षाकर्मियों और पुलिस को तैनात किया गया है, ये जानकारी जम्मू और कश्मीर पुलिस ने दी है। बता दें कि इससे पहले 8 जुलाई को पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। ये मुठभेड़ ऐसे समय हुई थी जब हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने की 5 साल पूरे होने पर घाटी के कुछ इलाकों में बंदी रही थी। इसी दिन जम्मू कश्मीर के कुलगांव में हुई मुठभेड़ में भी 2 आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकियों की पहचान आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के किफायत रमजान सोफी और अल बद्र के इनायत अहमद डार के रूप में हुई है।
कांवड़ यात्रा के साथ ही योगी सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर भी गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही निकाली जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता पर विचार विमर्श कर निर्णय लें और दिशा निर्देश जारी करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न बिंदुओं के साथ ही 25 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर भी चर्चा की। अधिकारियों से ये यात्रा की तैयारियों के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही निर्देशित किया है कि कांवड़ यात्रा से किसी भी तरह का संक्रमण का खतरा नहीं होना चाहिए। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के समक्ष अधिकारियों से बात कर ली जाए, समन्वय बनाते हुए यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी करें। साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू करने पर भी विचार विमर्श कर लें। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पारित कर दिया है। बता दें कि लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी क्योंकि 25 जुलाई से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी थी। वहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया है। जिनके पास आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होगी वही कांवड़ यात्रा आगे संपन्न कर सकेंगे। बाहरी लोग जो आ रहे हैं उनका भी निगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट होना अनिवार्य बताया गया है। तो कांवड़ यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता कर दी है। 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, तो जो भी श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेंगे उनके लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट उनके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ वो ये सुनिश्चित जरूर करें कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। तो कोविड प्रोटोकॉल्स यानी कि कोरोना के नियमों को फॉलो करते हुए ही कांवड़ यात्रा कराई जाए, ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। तो बता दें आपको 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा संपन्न शुरू की जाएगी, जिसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर तो हालांकि कम पड़ी है लेकिन चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। उसी को लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव होना अनिवार्य कर दिया है। तो आपको बता दें कि आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही लोगों को कांवड़ यात्रा की अनुमति दी जाए। बाहर से आने वाले लोगों पर नजर बनाए रखें ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो कोविड को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है, उसी के साथ ही आगे की यात्रा को संपन्न कराया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियां आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी अलर्ट मोड में है। एटीएस गिरफ्तार आतंकियों का आजमगढ़ से कनेक्शन जानने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी घटनाओं में आजमगढ़ के तार जुड़ते रहे हैं। लखनऊ में दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद आजमगढ़ पुलिस अलर्ट है, हर संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो एटीएस के द्वारा पूछताछ जारी है, जो पकड़े गए आतंकी हैं उनसे पूछताछ कर रही है और इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ से भी इनके तार जोड़कर देखे जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। हर संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की, क्योंकि 15 जुलाई को पीएम का भी दौरा है वाराणसी, उसको लेकर भी जो सतर्कता है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है और इसको लेकर लगातार चेकिंग की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।